नमस्कार, मैं डॉक्टर मोनिका जैन आज आपको बताने जा रही हूँ कि पंचकर्मा जो ट्रीटमेंट पांच कर्म होते हैं उसमें से वमन की इम्पोर्टेंस क्या है। वमन यानी कफ दोष को बैलेंस करने के लिए वमन यानी वॉमिटिंग का प्रोसेस किया जाता है, जिससे हमारी बॉडी का जो कफ दोष बहुत बड़ा हुआ है वो बैलेंस होता है। इसके लिए हम लोग किस किस प्रॉब्लम के लिए वमन करते हैं, हाइपर एसिडिटी, श्वास रोग, स्किन का कोई प्रॉब्लम हो या फिर PCOD की प्रॉब्लम हो या किसी का वेट बहुत पुट ऑन हो, उन सब केसेस में हम बॉडीज में वमन करके कफ दोष को बैलेंस करके उनका शुद्धिकरण करते हैं। वमन करने के लिए हम लोग को प्री प्रोसेस करना पड़ता है, जिसमें उनको मेडिकेटेड दवाई 3 से 5 दिन तक स्नेहपान, जिसे स्नेहपान कहा जाता, करते हैं। उसके बाद 3 दिन तक हम उनको स्नेह स्वेदन करते हैं और 4th दिन हम उनको मॉर्निंग में खाली पेट बुला के उनको वॉमिटिंग वाला प्रोसेस करते हैं। वॉमिटिंग वाले प्रोसेस से उनको कोई वीकनेस नहीं होती, ना ही कोई चक्कर या डिहाइड्रेशन होता। क्यों? क्योंकि जो प्री प्रोसेस में हमने उनको मेडिकेटेड दवाई पिलाते उनसे उनकी काफ़ी स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है। वमन करवाने के बाद 3 दिन तक हम उनका क्लिंजिंग प्रोसेस चालू रहता है, उसमें हम लोग उनके फूड हैबिट को स्पेशली ध्यान देते हैं, जिसे संसर्जन कर्म कहते हैं। संसर्जन कर्म यानी 3 दिन तक उनको बॉयल फूड दिया जाता है, पेशेंट टू पेशेंट डिफर रहता है। इसके बाद 3 दिन के बाद हम उनको रसायन चिकित्सा करते हैं, यानी कि आयुर्वेदिक में एंटीऑक्सीडेंट ट्रीटमेंट देते हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी कि पंचकर्मा में वमन प्रोसेस बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये 12 साल के बच्चों से लेके 60 साल तक की उम्र तक हम कर सकते हैं, जिसमें हम सिर्फ हाइपरटेंशन वाले पेशेंट को अवॉइड करते हैं। थैंक यू।